Let's talk about self-respect. Hey guys, I'm Shravan and in this video I'm talking about self-respect. देखो, अगर लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर लोग आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते, लोग आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हो, आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, चाहे दुनिया वाले आपकी कितनी भी रिस्पेक्ट कर ले, वो वैल्यूलेस है, वो मीनिंगलेस है। यानी चाहे दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे या फिर ना करे, आपको सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करना है। अगर दुनिया वाले आपको अच्छा समझ रहे हैं लेकिन आप खुद के नज़र में बुरे हो, अगर दुनिया वाले आपकी काम की तारीफ कर रहे हैं लेकिन आपको पता है कि आप कैसा काम कर रहे हो, आप सही काम कर रहे हो या फिर गलत काम कर रहे हो, यानी आपको अपनी नज़र में क्लियर रहना चाहिए। जब तक आप अपनी नज़र में क्लियर नहीं रहोगे, यानी सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। लोगों से, किसी से भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपकी वैल्यू करे। आपने देखा होगा, जब भी कोई इंसान उस लायक बन जाता है तब उसे वैल्यू मिलती ही है, उसे रिस्पेक्ट मिलती ही है। यानी आप रिस्पेक्ट मांग कर नहीं ले सकते, आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, आपको रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। आप रिस्पेक्ट के लिए किसी से भीख नहीं मांग सकते हो कि यार मेरी इज्जत कर लो, मेरी कदर कर लो। आपको इज्जत मिलेगी, लेकिन जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो है खुद की इज्जत करना। जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, तब तक कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। और कोई अगर आपकी इज्जत कर भी रहा है तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खुद की इज्जत खुद की नज़र में होना। दुनिया आपकी डिसरिस्पेक्ट भी करेगी, दुनिया आपकी वैल्यू भी नहीं करेगी, लेकिन उस समय भी आपको खुद की रिस्पेक्ट करना है, बल्कि आपको खुद की नज़र में वैसा इंसान बनना है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो। हमेशा याद रखना, डिसरिस्पेक्ट लूज़ करना बहुत आसान बात है, लेकिन रिस्पेक्ट कमाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए रिस्पेक्ट लूज़ करने से पहले, रिस्पेक्ट गवाने से पहले, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने से पहले 100 बार सोच लेना। काफ़ी बार लोग क्या करते हैं कि अपनी रिस्पेक्ट बिना सोचे समझे गवा देते हैं, वो किसी इंसान की नज़र में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। जब भी आप किसी इंसान की नज़र में बहुत ज़्यादा गिर जाते हो, तो आपको फिर से रिस्पेक्ट कमाने में बहुत टाइम लगेगा, बल्कि बहुत साल लग जाएंगे। अगर आप एग्जांपल, अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और आप उस इंसान से प्यार की भीख मांग रहे हो, आप उस इंसान से भीख मांग रहे हो कि वो आपकी इज्जत करे, वो आपकी कदर करे, वो आपसे बात करे, फिर चाहे उसके बाद आप कितनी भी अच्छे इंसान बन जाओ, लेकिन उस इंसान को ये सारी बातें याद रहेगी, उसको ये सारी बातें याद रहेगी कि आप किस हद तक उसके सामने गिरे हो, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट उस इंसान की नज़र में कैसी है। इसीलिए सबसे पहला और ज़रूरी काम यही है कि आपको ये समझना है कि रिस्पेक्ट खोने से पहले, अपनी रिस्पेक्ट गंवाने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि रिस्पेक्ट लूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन रिस्पेक्ट अर्न करना बहुत मुश्किल है। आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद के लिए। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, उसकी रिस्पेक्ट करो। आपको अपनी रिस्पेक्ट ऐसे ही किसी के सामने गंवानी नहीं है, अपनी रिस्पेक्ट की वैल्यू करनी है कि यार मेरी इतनी रिस्पेक्ट है, मैं उससे नीचे नहीं गिर सकता, मेरी इतनी वैल्यू है, मैं अपने वैल्यू को नहीं खो सकता, मैं किसी की
गाली नहीं सुन सकता और ना ही मैं खुद को गाली दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद के काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद के हार्डवर्क की रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो, किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है। आप जब भी किसी को गाली देते हो ना, तो इससे ये मत सोचो कि उस इंसान को बुरा लगेगा, बल्कि इससे ये सोचो कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके थॉट्स किस लेवल के हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना।